माय चैनल फायजा की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ वड़ा पाव। वड़ा पाव महाराष्ट्र की मशहूर रेसिपी है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फूड है। तो आइए देखते हैं वड़ा पाव बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत है। ये 5 आलू है जो मैंने पहले से उबाल लिया था। 4 टेबल स्पून धनिया का पत्ता है। 1.5 चम्मच नमक है। 1/2 टीस्पून ये हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है। 1/4 टीस्पून राई है। 1/4 टीस्पून ये जीरा है। 2 इंच हींग है। 10 पत्ते कड़ी पत्ते हैं। 1 टीस्पून नींबू का रस है। और वड़ा पाव में जो मसाला हमको बनाएंगे ये 10 कलियां लहसुन की हैं। 1/2 इंच का 3 टुकड़ा अदरक है। 10 हरी मिर्च है। इसको हम ग्राइंड करेंगे। चलो हम इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर में डाल के। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, एकदम सूखा सूखा ही ग्राइंड करना है। तो गाइस ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च हम पीस चुके हैं। ये चीजें हमको चाहिए बेसन का बैटर बनाने के लिए। तो बैटर बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है। 1 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून नमक लिया है। 1 पिंच ये बेकिंग सोडा है। और ये 1 टीस्पून ये राइस फ्लोर है। पहले हम बेसन से बैटर तैयार करेंगे और बैटर तैयार करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मिलाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ खत्म नहीं होंगी। इसको अभी हम मिला रहे हैं। ये देखिए ऐसे मिला रहे हैं, धीरे धीरे ही मिलाना है। इसकी कंसिस्टेंसी न पतला रहेगा न गाढ़ा बहुत रहेगा। अभी हुआ नहीं, अभी मिला रहे हैं। कितनी देखो इसमें कितनी दिख रही है। धीरे धीरे आराम से इसको मिलाना है। इसमें हम 1 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से वड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 पिंच बेकिंग सोडा। अब उनको अच्छे से हम मिला लेंगे। बेकिंग सोडा भी डालने से वड़े बहुत क्रिस्पी होते हैं। इसको 3-4 मिनट तक मिलाएंगे। इसको हमने अच्छे से, इस बैटर को अच्छे से 3-4 मिनट ऐसे मिला लिया है। और ना इसको ज्यादा पतला रखना है ना मोटा रखना है। इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये जो आलू बॉईल किया हुआ है इसको हम मैश कर लेते हैं। बारीक मैश करना है। देखिए इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। पैन गर्म हो गया है। अब उसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून तेल। राई देखिए चटकने लगा है। अब हम इसमें डालते हैं जीरा और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है वो डाल रहे हैं। डालते हैं 1 पिंच हींग, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कड़ी पत्ता, मसाला को भूनते दिए हैं, भून रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं आलू मैश किया हुआ।
ऐसे इसको अच्छे से चलाएंगे चम्मच। अब पकाते हुए सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये गैस अब हम देखो ये पक गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अभी हम डाल रहे हैं इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ जो पहले से काट के रख लिया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको दूसरे बर्तन में हम निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने तक इसका हम वेट करेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो इस तरह से इसके हम पेड़े बना लेंगे वड़े के। ऐसे इस टाइप के ये हमने वड़े बना लिए हैं। इसको बैटर में डिप करके एक एक करके फ्राई करेंगे। देखा आराम से देखो हमारे वड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसको हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए हो रहा है, हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। के बाद बाकी वड़े भी ऐसे हम फ्राई कर लेंगे। तो वड़ा तो हमने बना लिया है, वड़ा के साथ हमको चटनी भी लगता है। इसके लिए हम बनाएंगे मज़ेदार चटनी। ये हरी मिर्च लिया है, लहसुन की कलियां है 8-10, ये अदरक का टुकड़ा मैंने काट लिया है और ये धनिया हरा धनिया ये भी काट लिया है, लेमू है। चटनी बनाने के बाद इसमें हम डालेंगे। तो ये सब चीज़ें हम मिक्सर में पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये ग्रीन चटनी तैयार हो गई है हमारी। अब इसमें हम लेमू डाल रहे हैं, इससे और टेस्टी बनेगा। ये 5 हरी मिर्चियां हैं, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे और ऊपर से नमक ऐसे छिड़क देंगे, फिर इसको वड़े पाव के साथ खाएंगे। इससे बहुत टेस्टी लगता है। फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा मज़ेदार वड़ा वड़े से खाने के लिए चटनी तैयार हो गई, हरी मिर्ची तैयार हो गई है। वड़े को ऐसे बीच से हम कट कर लेंगे। इसमें हम जा रहे हैं हरी चटनी लगाने, ऐसे लगा देते हैं और ये ऐसे। फिर इसको भी हम ऐसे बीच से कट कर लेते हैं। तो मेरा ये मज़ेदार वड़ा तैयार हो चुका है और इसको हम टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।